साथियों नमस्कार। साथियों आज हम फिर बना रहे हैं जोड़ों के दर्द के लिए घर पर ही आयुर्वेदिक तेल। जी हाँ दोस्तों, आज पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कैसे हम तेल बनाते हैं। पूरा प्रोसेस आप वीडियो में देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, चूल्हा एक टेम्परेरी चूल्हा बना लिया जिसका आकार देख सकते हैं चौड़े आकार का है और जिसके ऊपर हम जो कढ़ाई चढ़ाएंगे ये देख सकते हैं हमारे पास स्पेशल लोहे की कढ़ाई है। इसमें हम स्पेशल तेल बनाते हैं, ये हमारे लोहे की कढ़ाई ली है। अभी हम करेंगे क्या, लोहे की कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ाकर सारी सामग्रियां तेल इसके अंदर डालेंगे। पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित वीडियो हम यहाँ पर समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले कढ़ाई को हम चूल्हे के ऊपर चढ़ा लेते हैं। अभी साथियों हमने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है। अब हम इसके अंदर आग जलाएंगे और फिर हम सारी सामग्री और तेल डालेंगे और हम पूरी सामग्री आपको बताएंगे क्या क्या हमने इसके अंदर डाला है। अभी देखिए साथियों, हमने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है और तेल हमने कितना डाला ये भी आपको बताते हैं। टोटल हमारी तेल की क्वांटिटी रहेगी 9 लीटर, जिसमें हमने 4 लीटर शुद्ध तिलों का तेल डाला है और 4 लीटर हमने शुद्ध बिनोले का तेल डाला है और 1 लीटर हम डाल रहे हैं इसके अंदर कैस्ट्रोल ऑयल। कैस्ट्रोल ऑयल देखिए देखने में बिल्कुल गाढ़ा होता है, ये हम डाल रहे हैं 1 लीटर की क्वांटिटी, जिसको अरंड का तेल भी हम बोल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा होता है और तेल आपको बिल्कुल शुद्ध लेना है, क्योंकि तिलों का तेल जो मार्केट में होता है वो बिल्कुल शुद्ध नहीं होता। तो हमारा जो घर का बनाया हुआ तेल होता है तिलों का, वही हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो आप अगर घर पर तेल बना रहे तो सभी तेल आप ओरिजिनल लेना, क्योंकि जब आप ओरिजिनल तेल लेंगे तभी आपको तेल के अंदर बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो आपको इनका जो बेस है वो बिल्कुल ओरिजिनल लेना है, तेलों का तेल और बिनोले का तेल और कैस्ट्रोल ऑयल, तभी आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस तेल के अंदर मिलेगा। अभी देखिए तेल हल्का गर्म होना शुरू हो गया है। अभी हम जो हमारी सामग्री तैयार हमने की है, जितनी भी सामग्री थी हमने बिल्कुल दरदरी मोटी कुटाई उसकी कर ली है। अब धीरे धीरे सभी सामग्री इस तेल के अंदर हम डाल देते हैं। सर्वप्रथम हम आग के 20-25 पत्तों को लेकर आम दस्ते में बिल्कुल बारीक कूट लेंगे ताकि उनका रस निकल जाए। हम पत्तों समेत इसमें कढ़ाई में डालेंगे, आप इनका रस निकाल कर भी कढ़ाई में डाल सकते हैं। हम इसको पत्तों समेत ही कढ़ाई में इसको डाल देंगे। इसके बाद हमें कहना क्या है, आग के जो फूल होते हैं, आग के फूल होते हैं उनको भी इसी तरह से आप कलप तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बारीक कुटाई करने के बाद इसको बिल्कुल रस इसका निकल जाएगा, जो हो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही रामबाण और कारगर साबित होगा। इसके बाद हमने करना क्या है, अगला जो है ये देख सकते हैं अरंड के पत्ते। अरंड के पत्तों को भी हम अमाम दस्ते में डाल करके बिल्कुल बारीक कूट लेंगे, इतना कूटेंगे कि इनका रस निकल जाए। पत्ते आप 15 से 20, 25 से 30 पत्ते ले सकते हो, इनका भी हम रस निकाल देंगे बिल्कुल निचोड़ करके। ये देखिए ये हमारे अरंड का पत्ता, अरंड जानते हो कैस्ट्रोल के जो पेड़ होता है उसका पत्ते जो होते हैं वही हमें लेने हैं। उसके बाद लेना हमें धतूरे, धतूरे के पत्ते को हमें लेना है और इन पत्तों को बिल्कुल धो लेना है, इस पर धूल मिट्टी वगैरह ना जमी हो। धतूरे के पत्तों को भी आम दस्ते में डाल करके बिल्कुल बारीक कूट लेना है जब तक कि इसका रस ना निकले। ये एक हमारा कलप तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए हमने तीनों पत्तों को आसानी से कूट लिया है। जो हमने तेल बनाने के लिए सामग्री ली है वो सभी सामग्री ये है, इसलिए ये सभी सामग्री हमने मोटी कुटाई कर ली है और ये हमने कलप तैयार किया है। धतूरे के पत्ते का, अरंड के पत्ते का और आक यानी मदार के पत्तों का हमने कलप तैयार कर लिया, जो हम तेल के अंदर यूज करने वाले हैं। अभी हमें इसके अंदर देखिए ये सामग्री ली है, अदरक की हमने मोटी कुटाई कर ली है, मेथी दाना इसके अंदर है, रासना इसके अंदर है, अम्या हल्दी इसके अंदर है, लहसुन भी इसके अंदर है, काली मिर्च की मात्रा इसके अंदर है, लौंग भी इसके अंदर है, काफ़ी चीज़ें सौंफ इसके अंदर है और निरगुंडी के बीज भी इसके अंदर हमने मिलाए हैं और काफ़ी सामग्री तेज पत्तर और काफ़ी सामग्री इसके अंदर है, जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको सारी सामग्री क्वांटिटी सहित आपको लिख देंगे, वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी हमारा अगला प्रोसेस क्या रहेगा, जो हमारा तेल बन रहा है, तेल हल्का हमारा गर्म हो गया है, उसके अंदर धीरे धीरे करके सारी सामग्री डाल देते हैं। सबसे पहले हम कलप को तेल के अंदर छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर तक हम इस कलप को इसी तरह पकाते रहेंगे, सामग्री हम इसमें बाद में डालेंगे। ये देखिए हमारा 3 पत्तों का कलप है, जिसमें अरंड,
दतूरा और आक यानी मदार जिसको बोलते हैं उसका कलप हमने पहले तैयार किया था, ये हमने सर्वप्रथम इसमें डाल दिया है। अब 10-15 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे, फिर बाकी सामग्री भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अभी साथियों देखिए हमारा जो तेल में कलप डाला था वो धीरे धीरे उबल चुका है और 10-15 मिनट इसको हो चुके हैं। अभी हमारी जो बाकी सामग्री है वो भी धीरे धीरे करके इसमें डाल देते हैं। अगर आप भी घर पर इस तेल को बना रहे हैं तो पहले जितनी भी हमारी सामग्री है, अदरक है, लहसुन है, जितनी सामग्रियाँ हमने आपको बताई है वो सारी सामग्रियाँ पहले मोटी दरदरी कुटाई इसके अंदर आप कर लीजिए और फिर आप इस तेल के अंदर इस सारी सामग्री को डालिए। अभी साथियों हमने सारी सामग्री डाल दी है और अब इसको इतना पकाना है कि जब तक ये सारी सामग्री काली ना पड़ जाए। धीमी आंच पर इसको पकने में करीब 4 से 5 घंटे हमें लगेंगे और धीमी आंच पर ही आपको पकाना है और बीच बीच में इसको पलटे के साथ हिलाते भी रहेंगे और बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे कि कैसा तेल हमारा बन रहा है। साथियों देखिए करीब 1 घंटे बाद हमारा तेल ऐसा बना है, ये देखिए हल्की हल्की जो सामग्री है भूरे कलर की हो गई है और तेल के अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अभी इसको उबलते हुए 1 घंटा हो चुका है, अभी इसको 3-4 घंटे और लगेंगे बनने के अंदर। अभी देखिए साथियों तेल उबलते हुए करीब 4 घंटे हमारे हो चुके हैं और तेल हमारा करीब 80% बनकर बिल्कुल तैयार भी हो चुका है। देखिए तेल के अंदर से हल्का हल्का धुआं भी निकलना शुरू हो गया, जो जड़ी बूटियाँ थी वो काली पड़ गई है और तेल हमारा 80% बनकर तैयार हो चुका है। अभी थोड़ी देर इसको और उबालते हैं करीब 1/2 घंटे तक और फिर इस तेल को उतार के ठंडा होकर के इसको छान लेंगे। तो देखिए ये हमारा तेल ऐसा है और सामग्री हमारी बिल्कुल जलकर काली भी हो चुकी है और धीरे धीरे इसमें सामग्री है उसमें धुआं भी निकलना शुरू हो गया है। अभी देखिए दोस्तों जो तेल था वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, इसको बनने में 4.5 घंटे लगे हैं और बिल्कुल अभी हल्का गर्म है, गुनगुना है। अभी हम इसको कपड़े से छान लेते हैं ताकि तेल अलग हो जाए, सामग्री अलग हो जाए, फिर छान करके आपको बताते हैं इसके अंदर आपको और क्या मिलाना है। अभी तेल देखिए कपड़े के द्वारा हमने सारी सामग्री कपड़े के अंदर गठड़ी बांध दी है और धीरे धीरे जो सामग्री के अंदर तेल समा गया था वो धीरे धीरे इस बर्तन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अभी हमने तेल को छान लिया है, करीब 1 से 1.5 लीटर तेल हमारा बनाते वक्त जल गया है तो इतना तेल हमारे पास बचा है। अभी हम इसमें करेंगे क्या, तारपिन का तेल भी इसके अंदर 1 लीटर की मात्रा मिला देंगे तो हमारा तेल और भी गुणकारी हो जाएगा। तो इसमें हम तारपिन का तेल भी 1 लीटर मिला देंगे गुनगुने तेल के अंदर ही छानने के बाद।